दरअसल तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों का निधन हो गया। इसी घटना के बाद देश में दुख की लहर है, लेकिन इसी बीच सीडीएस विपिन रावत के गुरु कर्नल बर्मन का कहना है कि विपिन रावत सेना के सर्वोच्च पद पर थे। उनके कार्यकाल में सेना ने इतिहास की 2 बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। इसके चलते इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हेलीकॉप्टर क्रैश होना महज एक हादसा न होकर एक बड़ी साजिश भी हो सकता है। और इसी वजह से सीडीएस विपिन रावत को ले जा रहे MI-17 हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद उसके ब्लैक बॉक्स की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि इस ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद घटना से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ब्लैक बॉक्स आखिर होता क्या है। देखिए, सीधी भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो किसी भी हेलीकॉप्टर की दुर्घटना का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लैक बॉक्स असल में हेलीकॉप्टर की उड़ान के दौरान उड़ान की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। इसी वजह से इसे FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहते हैं। ब्लैक बॉक्स को दुर्घटना के दौरान सुरक्षित रखने के लिए सबसे मजबूत धातु टाइटेनियम से बनाया जाता है। साथ ही भीतर की तरफ इस तरह से सुरक्षित दीवारें बनी होती हैं कि कभी किसी दुर्घटना के होने पर भी ब्लैक बॉक्स सेफ रहे और उससे समझा जा सके कि असल में हुआ क्या था। जनरल विपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना की वजह से अकस्मात निधन पर हमें खेद है। ऐसे वीर योद्धा सदियों में ही पैदा होते हैं, जिन्होंने भारत की आन बान और शान के लिए अपनी जान तक की परवाह ना की हो। ऐसे वीर योद्धा को हम सबकी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि।